गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रोटोटाइप डिवाइस होता क्या है। एस जी के 111 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम देखेंगे दोस्तों प्रोटोटाइप डिवाइस सिक्योरिटी होता क्या है दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रोटोटाइप डिवाइस होता है एक सैंपल पीस या तो जो अनरिलीज्ड डिवाइस होता है और नॉट फॉर सेल अनरिलीज्ड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों ये सैंपल पीस बनता किस लिए है, तो दोस्तों कभी भी कंपनी क्या करती है अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाते टाइम क्या करती है, पहला उसका एक डेमो बनाती है दोस्तों। यानी कि वो जो भी पीस है उसका उसके ऊपर वो टेस्टिंग करती है, डेवलपमेंट करती है और मार्केट में क्या होगा क्या नहीं उसके बारे में वो सब उसका एक्सपेरिमेंट करती है दोस्तों। तो ये जो सैंपल पीस होता है दोस्तों उसको किसी भी तरह से एक सैंपल पीस होता है उसको उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट होता है उसी के द्वारा उसका प्रोडक्शन होता है दोस्तों, यानी कि डेवलपमेंट करते हैं उसका। तो दोस्तों ये जो भी सैंपल पीस और प्रोटोटाइप डिवाइस होता है उसको सेलिंग करने की ऑथोराइज नहीं होती दोस्तों। ये अनऑथोराइज यानी कि सेलिंग करने के लिए डिवाइस ऑथोराइज नहीं होता, उसके ऊपर पूरा स्टैंप लगा होता है कि नॉट फॉर सेल, यानी कि आउटसाइड सेल के लिए उसको परमिशन नहीं दी जाती दोस्तों। तो दोस्तों ये होता है प्रोटोटाइप डिवाइस। तो दोस्तों इसको पहचानेंगे कैसे, तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है दोस्तों, तो उसके ऊपर एचवीटी ईवीटी और डीवीटी प्रिंटेड लिखा हुआ था दोस्तों। जो भी आपका प्रोटोटाइप डिवाइस रहेगा उसके ऊपर एचवीटी ईवीटी और डीवीटी लिखा हुआ था, उसका प्रिंटआउट प्रिंट होता है दोस्तों। उसके बाद भी उसके उस जो भी प्रोटोटाइप डिवाइस होगा उसके ऊपर ब्रांड ऐसा लिखा होगा दोस्तों। उसके और भी होगा उसके ऊपर एक स्टैंप लगा हुआ होगा दोस्तों, इट वॉज नॉट अलाउड फॉर आउटसाइड सेल, यानी कि वो बाहर की तरफ की बिक्री के लिए ऑथराइज नहीं है दोस्तों। उसके बाद उसके ऊपर एक बार कोड या क्यूआर कोड लगा हुआ होगा दोस्तों, उसको स्कैन करके आप पहचान सकते हो कि ये प्रोटोटाइप डिवाइस है दोस्तों। उसके बाद में उसके ऊपर लिखा होगा RFID टैग और DSN नंबर दोस्तों। उसके ऊपर एक RFID टैग होगा, RFID टैग होगा और DSN नंबर होगा। DSN नंबर क्या होगा दोस्तों मैं आगे बताने वाला हूं आपको। तो दोस्तों ये जो भी पांच आइडेंटिफिकेशन मार्क है उससे आप पहचान सकते हो कि ये फोटोटाइप डिवाइस है दोस्तों। यानी कि फोटोटाइप डिवाइस कैसे पहचाना जाएगा, ये पांच मार्किंग से आपको पहचान में आ जाएगा कि ये फोटोटाइप डिवाइस है दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों ये डिवाइस की सिक्योरिटी कैसी होती है दोस्तों, और अगर ये मिस हो गया लॉस हो गया तो क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है, उसका जो प्रोटोटाइप डिवाइस है उसके लिए एक अलग सी प्रोटोटाइप लैब बनाई हुई है दोस्तों। वो प्रोटोटाइप लैब होती है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है दोस्तों, यानी कि जो उसके लिए टीम बने वही खाली ऑथोराइज होती है उस लैब में दोस्तों। यानी कि अनऑथोराइज पर्सन उसको अंदर जा नहीं सकता, उसको उसी को ही ऑथोराइज पर्सन ही खाली अंदर जा सकता है, उसका एक्सेस उस डोर पे चलता है दोस्तों। तो प्रोटोटाइप लैब बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उधर ही खाली प्रोटोटाइप लैब रिस्ट्रिक्टेड होती है, उधर जो भी टीम है उनकी जो डेवलपिंग टेस्टिंग टीम वही अंदर जा सकती है और वो बाहर आ सकती है दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, डिवाइस ट्रैकर टीम होती है दोस्तों। यानी कि डिवाइस ट्रैकर टीम क्या करती है दोस्तों, अगर हर एक कंपनी की पांच छह ब्रांचेस है अलग अलग स्टेट में दोस्तों, ये प्रोटोटाइप डिवाइस अगर उस ब्रांच से इधर ब्रांच पे आ रहा है, उस ब्रांच से उधर जा रहा है, तो ये डिवाइस ट्रैकिंग टीम है प्रोटोटाइप की, वो ट्रैक करती रहती है दोस्तों। उसके ऊपर DSN यानी कि डिवाइस सीरियल नंबर होता है दोस्तों। तो दोस्तों कभी भी वो प्रोटोटाइप डिवाइस है तो खाली जो भी उसका डिवाइस ट्रैकर है वो खाली उसके टीम यानी कि प्रोटोटाइप डिवाइस जो टीम है उसके ही हाथ में जाना चाहिए ऐसा वो बनाती है और उसके ऊपर ही बेचती है। यानी कि जो ऑथोराइज पर्सन है उसके हाथ में ही वो डिवाइस जाएगा, अगर उस स्टेट से आ रहा है तो दूसरे स्टेट में जो बंदा परफेक्ट है उसी के हाथ में हो जाएगा, ऑथोराइज दूसरा पर्सन कोई नहीं होता दोस्तों उसका। तो डिवाइस ट्रैकर करती है, डिवाइस टीम ट्रैकिंग करती है अभी वो डिवाइस डिजिटल सीरियल नंबर का किसके पास है, कौन उसके ऊपर काम कर रहा है, अभी किधर से कहां रिप्लेस हो गया, कौन से टीम में गया, ये सब उसके पास रिकॉर्ड रहता है और वो ट्रैक करती है डिवाइस ट्रैकर टीम। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, डिवाइस टीम होती है वो क्या करती है, एक जो भी प्रोटोटाइप लैब होता है उसमें डिवाइस टीम होती है तो डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग करती है उस प्रोडक्ट जो भी सैंपल पीस है उसको डेवलप करने का काम और टेस्टिंग करने का काम ये डिवाइस टीम करती है दोस्तों। ये डिवाइस टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके ऊपर वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टली स्टडी करती है और वो जिसके वजह से मार्केट में क्या होगा क्या नहीं इसके बारे में वो सोचती रहती है दोस्तों। उसके बाद में होता है दोस्तों प्रोटोटाइप लैब,
उसके बारे में मैंने बताया, वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है दोस्तों। जो भी डिवाइस टीम काम करती है उनके सिवा कोई भी अंदर नहीं जा सकता दोस्तों, यानी कि ऑथोराइज पर्सन नहीं, अनऑथोराइज पर्सन उसके अंदर नहीं जा सकता दोस्तों, उसके लिए अथॉरिटी नहीं होती दोस्तों। उसके आगे होता है जो भी आपका डिवाइस होता है पोर्टेटर डिवाइस, बहुत ही उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत सी कॉन्फिडेंशियल होती है दोस्तों। अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई दोस्तों तो जो भी काम कर रही है दोस्तों टीम उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है दोस्तों, यानी कि उसके ऊपर ही आता है। अगर मिस हो गई, लॉस्ट हो गई, स्टोलन हो गई, ये सब है ना, वो जो भी काम कर रही है टीम उनके डिसीजन से होता है, यानी कि उसी को ही वो उसकी जिम्मेदार सत्ता रहती है दोस्तों। यानी कि अगर ये मिस हो गया, लॉस्ट हो गया, स्टोलन हो गया तो दोस्तों क्या होता है दोस्तों, इम्पैक्ट होता है दोस्तों बिजनेस कंपनी पर, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है दोस्तों। देखो आपने अगर एक सैंपल पीस बनाया है और उसका इन्फॉर्मेशन अगर दूसरी आपकी कॉम्पिटिटर कंपनी है उसके पास चला जाता है तो दोस्तों वही प्रोडक्ट सेम वो बना सकता है, यानी कि मार्केट में आपको अपोजिटर आ सकता है, यानी कि जो मार्केट में आपने पूरा सैंपल पीस बनाया है उसका दूसरा अगर डुप्लीकेट आइटम रेडी हो गया तो आप उसका पीस जब मार्केट में आएगा तो उसके लिए कॉम्पिटिटर तैयार होता है और आपका मार्केट आधा वो छीन लेगा। तो दोस्तों बहुत ही इम्पैक्ट होता है बिजनेस पे ऊपर, जैसे भी वो अगर स्टोलन हो जाए या तो डिवाइस लॉस्ट हो जाए या तो गुम हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोटोटाइप डिवाइस क्या होता है दोस्तों, उसका डेफिनेशन मैंने बताया कि सैंपल पीस होता है, अनरिलीज्ड अनऑथराइज्ड होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या क्या मार्किंग होता है उसके ऊपर, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी बताया मैंने दोस्तों। फिर उसका सिक्योरिटी कौन सा टीम होता है, क्या क्या उसके कैसे कैसे सिक्योरिटी करते हैं और उसका टीम कौन सा डेवलपिंग टेस्टिंग करता है दोस्तों। उसके बाद में प्रोटोटाइप लैब क्या होता है और उसके बाद में वो उनकी कॉन्फिडेंस अगर लीक होती है, लॉस्ट होता है तो क्या और कैसे किसको उसका डिपेंडेंस समझा जाता है, जबरदस्त समझा जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है, और अगर वो लीक हो गया, स्टोलन हो गया, लॉस्ट हो गया तो टीम बिजनेस के ऊपर और कंपनी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करता है दोस्तों। तो ये प्रोटोटाइप डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है दोस्तों, उसे सैंपल पीस भी कहते हैं, अनसेलर पीस भी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।